सीजीडी में 15 फरवरी का ये पेपर हुआ था, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम है 4 बजे से हुआ था, जो कि शाम के पाली में तीसरे बैच में हुआ था, ठीक है। तो वो सेम सेम क्वेश्चन इसमें लेकर आए हैं, और इस जो अभ्यर्थी का नाम है पुलंदर सिंह बघेल जी, वे हमको ये पेपर दे है अपना आंसर की डाउनलोड करके। तो इस पर हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों का इस वीडियो से लाभ उठ सके। अगर आप SSC GD का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या SSC GD का फिर आगे की तरफ हम परीक्षा देना चाहते हैं, तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, इसी प्रकार का प्रश्न आता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न है अगला कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी, ठीक है। तो इसमें हम हल नहीं कराने वाले हैं, हम आपको केवल क्वेश्चन बताएंगे कि इसी आधार का आता है। तो देखिए इसमें ये रीजनिंग से है तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जिस पे हरा टिक लगा है वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें सूखा होगा, क्या होगा सूखा। ये है दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा 63। देखिए हम आपको बता दें कि अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक। ये भी रीजनिंग से है, जैसे कि आप लोग देख ही लिए होंगे ये क्वेश्चन, और जहाँ पर मतलब दिक्कत है वो स्क्राइप करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, हम आपको केवल बताते जा रहे हैं। देखिए इसमें है अगला पद भरना है, ठीक है। 107 103 87 51 में अगला पद भरना है। इसमें भी दिए गए शब्दों में असंगत छाटना है कि क्या है। देखिए जैसे उदर हृदय गुर्दा पैर है, तो आप लोग जानते हैं कि उदर हृदय गुर्दे मतलब सब शरीर के अंदर होता है, जो पैर होता है वो बाहर होता है, पैर एक अंग है, ठीक। तो पैर हो जाएगा अलग हो जाएगा सबसे। ये है कि जो कहें कि घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जिसमें एक से चिन्हित आकृति सम्मिलित है। ये देखिए जो सेम जो है ना, ये इसमें से प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में निहित है, तो इसमें दूसरा आकृति में निहित है, ठीक है। ये कूट भाषा, ये अंग्रेजी की है, कोडिंग डिकोडिंग है। और ये जो है ये पंक्ति में है कि इधर से उधर करने पर, उधर से इधर करने पर इतने मित्रों के समूह में, वैसे ये क्वेश्चन आना हुआ, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए, इसको भरना है चित्र से कि कौन सा आंसर इस प्रश्न आकृति को पूरा करेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, अगर देखिए हम जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहे हैं ये, ठीक है, कि ज़्यादा बड़ा ना हो पाए। अगर आपको जिस प्रश्न को डाउट है तो उसको स्क्राइप करके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, वहाँ पे मतलब कि रोक करके पुश करके देख सकते हैं। और देखिए 11वां क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। देखिए 54 संबंध है 6, उसी तरह 42 संबंध क्या होगा। तो जैसे कि आप लोग जान गए होंगे कि यहाँ पर 6 में 9 से गुणा किया गया है, ठीक। और यहाँ पर जो किया गया है ये 7 इसमें किया है, 7 किया है, ठीक। तो ये 6 9 54 होगा, तो 7 9 63 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 मिनट, 5 4 9 6 4 2, अभी तो दिमाग लगाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम आपको लेकिन कराएंगे मैथ का क्वेश्चन, हम एक एक करके सभी को कराएंगे। ये हम केवल आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे आया है। ये देखिए ये हैं आपको बिंदु रेखित मोड़ने पर, मतलब कि कागज़ के टुकड़े मोड़ने पर किस प्रकार का दिखाई देगा। उसके बाद से उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद संबंधित है, ठीक है। BFH संबंध है, EIK उसी संबंध है, उसी प्रकार GKM संबंध है, क्या होगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है, और फिर से दोस्तों कह रहे हैं कि आप भागिएगा मत कहीं, ठीक है, कहीं मत भागिएगा, ये वीडियो पूरा देख कर जाएगा ताकि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला वीडियो है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, इससे अलग नहीं आता है दोस्तों, ठीक। ये भी देखिए ये वृत्ताकार मेज का मतलब कि बैठाने वाला है क्रमबद्ध वाला तरीका से, वो रीजनिंग है। ये 16वां क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मत्स्य विज्ञान में मतलब मछलियाँ, तो पुरला इस्पी शास्त्र में, तो देखिए मछलियाँ का मत्स्य विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो लेखन का अध्ययन किया जाता है पुरालिपि शास्त्र में, पुरालिपि शास्त्र में, ठीक है। उसके बाद उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पे 217 सही होगा, क्या होगा 217 सही होगा। आगे अगर बात करें 18 नंबर का, तो ये है सेलोलिज्म जिसे कहते हैं, कथन निष्कर्ष से है, ठीक है।
सभी मकड़ियाँ घोंघे हैं, सभी मोलार्स घोंघे हैं, तो निष्कर्ष में कोई भी मकड़ी मोलार नहीं है, कुछ मकड़ियाँ मोलार्स हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, कथा निष्कर्ष से भी आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन का अगर बात करें तो दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। देखिए असंगत का चयन करें तो ये आप कैसे करेंगे, देखिए किसी में भावल नहीं है। ठीक है, इसमें है ई एच के, ये एफ एच के हैं, यहाँ पे हैं कि के जे के हैं, मतलब कि देखिए एफ जी एच आई जे एक एक छोड़ करके हैं, ये इसमें सही होगा चौथा नंबर। ठीक है, और एक निश्चित कुट भाषा में ज्वाय को इतना लिखा जाता है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और ये है भेनर एक से संबंधित कि लेखन सामग्री कलम रबड़, तो इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए कलम और रबड़ होता है वो लेखन सामग्री के अंदर ही होता है, तो लेखन सामग्री को बड़ा कर देंगे और उसके अंदर में दो कर देंगे गोला, तो एक कलम हो जाएगा और एक ये हो जाएगा क्या कहते हैं रबड़ हो जाएगा। ठीक, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही में रूप में आएगा। ठीक है, तो इसमें भी वही है, आगे की प्रक्रिया में भरना है कि आगे कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, ये है उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण, ये दर्पण प्रतिबिंब का देखते जाइए किस किस प्रकार का पूछता है। ठीक है, इससे अलग नहीं पूछने वाला है इस बार भी परीक्षा में जो होने वाला है। नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष, ये कथन निष्कर्ष से हैं कि कुछ मेजे सोफे हैं, कुछ सोफे कागजात हैं, तो निष्कर्ष में कुछ सोफे मेजे हैं, कुछ कागजात सोफे हैं, इस प्रकार के कथन निष्कर्ष में आता है। ठीक है, आगे और लास्ट ये सवाल है रीजनिंग का, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। देखिए जैसे कि आप लोग जान गए होंगे कि मतलब कौन से चिन्ह को बदलें, प्लस को बदलेंगे, भाग को बदलेंगे, माइनस को, गुणा को, माइनस और भाग को, तो क्या बदलेंगे, तो उसमें गुणा और भाग को बदलेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए अब जीके स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जीके स्टार्ट हुआ है, तो जीके में कैसे देता है, तो ये देखिए ये करेंट से है कि फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 खिताब किसने जीता था, 2018 मतलब कि वो 2018-19 में पेपर हुआ था, 2018 के दिया तो कलर करंट से दिया था, इसका हो जाएगा लुका मोड्रिक। ठीक है, निम्न में से क्या पारम जिसको मरकरी भी कहते हैं मिश्रण है, तो अमलगम का मिश्रण है। क्या है, पारा किसका मिश्रण है, अमलगम का। सबसे दक्षिण में ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में, जहाँ रामेश्वरम मंदिर है। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो पेचिस का कारक है, पेचिस का कारक कौन होता है, तो सिगेला, सिगेला जो होता है वो पेचिस का कारक होता है, ये भी बैक्टीरिया है एक प्रकार का। मिल्कमैन पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2018 किसने दिया गया था, किसे दिया गया था, ये किसे दिया गया था, तो आना बनर्स को, आना बनर्स को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे अगर बात करें तो वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की, मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की, तो भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है, तो यह है छत्तीसगढ़ से, पंडवानी लोक गायन शैली छत्तीसगढ़ से संबंधित है। यह है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न है, 33 नंबर क्वेश्चन, तो ये एनटीपीसी लिमिटेड है, एनटीपीसी लिमिटेड। आगे 34 नंबर, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। अगला है कि सड़कों का घनत्व तो क्या सूचित करता है, सड़कों का जो घनत्व होता है वो क्या सूचित करता है, तो ये करता है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के भूमि क्षेत्र के सड़क की लंबाई, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर मतलब कि उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, कि भूमि के में क्षेत्र की लंबाई को प्रदर्शित करता है घनत्व सड़कों का। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हथौड़ा और हाशिया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हथौड़ा और हाशिया है। अगला है महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है, तो ये गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष। अगला है अन्न खिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है, तो ये पुष्पकोष की पत्ती द्वारा। ठीक है, ये पुष्पकोष की पत्ती द्वारा अन्न खिले पुष्पों का संरक्षण किया जाता है, इसका पुष्पकोष की पत्ती हो जाएगा आंसर। देखिए इससे कुछ अलग नहीं आने वाला, फिर से हम आप से एक बार कह दे रहे हैं कि अगर आप पूरा क्रमबद्ध तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो इस सरकारी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और भागना नहीं है, कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है, कोई भी जीके कठिन नहीं होता है। ठीक है, केवल मन में ठान लीजिए कि हाँ ये आसान है तो आसान हो जाएगा, कठिन है तो कठिन हो जाएगा, केवल आपके सोच पर निर्भर करता है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है, तो ये तो आम बात है कि कपास, ये सभी लोग जानते हैं आप। ठीक,
भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ईंधन हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के बीच का रासायनिक प्रक्रिया या प्रतिक्रिया है जिससे ताप और प्रकाश क्या होता है? दहन होता है। ताप और प्रकाश दहन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किस शक्तिशाली चीनी उद्योगपति जो चीनी का सबसे अमीर व्यक्ति भी है, चीन का सबसे अमीर व्यक्ति है, ठीक, ने अलीबाबा कंपनी जिसके वे सह संस्थापक थे हाल ही में त्यागपत्र दे दिया? जैकमा। ठीक है, जैकमा नाम है उनका। निम्न में से कौन सा भारतीय खाद्य निगम की भूमिका में शामिल नहीं है? ये है कृषि ऋण एवं ऋण ग्रस्तता संबंधी कानून बनाना। अगला क्वेश्चन अगर कहे तो कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नाना साहेब किए थे। किसने किए थे? नाना साहेब। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह नाना साहेब किए थे। और इलाहाबाद, इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। देखिए ये है 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी सूची जोड़ी गई? 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी सूची जोड़ी गई? तो वो है 11वीं सूची। ठीक है, 11वीं सूची जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन है कि देश के कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों को जोड़ता है? तो ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। ठीक, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे एशियाई पैरा गेम्स 2018 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो इसका था मोमो। क्या था? मोमो। अगला क्वेश्चन है कि देखिए किसको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मजबूत करने के उनके असाधारण प्रयासों के लिए 2009 के नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया? किसको किया गया था? बराक ओबामा को। बराक ओबामा को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मजबूत करने के उनके असाधारण प्रयास, मतलब बहुत कठिन प्रयास किए थे, उसके लिए 2009 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों तो यह है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल होता है? तो इसमें होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होता है। निम्न में से किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति संबंधित है? तो अमूल से। ये अमूल क्या है? ये दूध है। ठीक है, अमूल दूध की कंपनी है। तो निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो अमूल से है। अगर आगे दोस्त बात करें तो देखिए ये हैं आपके मैथ से 13 संख्याओं का औसत, मतलब ये औसत से संबंधित है। अगर ये एक शंक्वाकार तंबू के आधार, देखिए हम आपको जल्दी जल्दी बता देना कि यह किससे संबंधित है, तो ये क्षेत्रमिति से शंकु से है। ठीक है, 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज, ये ब्याज से संबंधित है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से। ये एक नाव 2 किलोमीटर ऊपर की ओर प्रतिकूल धारा में, ये नाव धारा संबंधित है। ये आरोही अवरोही में क्रम में ये सजाना है। ठीक है, ये भी है, ये अनुपात समानुपातिक में, और जिसे कह सकते हैं कि ये मतलब कि ये क्या है, ये सारणी वाला सवाल है। क्या है? सारणी वाला सवाल है ये सब। ये देखिए, ये हम थोड़ा और जूम कर ले इसको, देखिए ये है आपके गति समय दूरी से संबंधित सवाल है 58 नंबर। 59 नंबर का अगर बात करें तो ये भी औसत से सवाल है, और ये है दशमलव के भाग और गुणा से। ठीक है, जो भाग और गुणा होते हैं ना सरणीकरण, उससे संबंधित है 60 नंबर सवाल। अगर 61 नंबर का बात करें तो ये प्रतिशत से संबंधित है कि ए बी से 75% अधिक है तो सी डी से 40% कम है। देखिए जहाँ भी जिस सवाल पे आपको डाउट हो तो उसको वहीं पे पुश करके आप रोक करके देख लीजिएगा पूरा पूरा। ठीक है, और देखिए ये भी ग्राफ से सवाल है। ठीक है, ये ग्राफ का सवाल है। ये है लाभ हानि से कि ऋतु ने 12% की हानि पर एक सामग्री बेचा, यदि वह इसे ₹55.80 से अधिक में बेचती तो उसे 13% का लाभ मिलता। तो 10% का लाभ हासिल करने के लिए उसे इसे कितने रुपये में बेचना चाहिए? ठीक है, एक वृत्ताकार पार्क, ये वृत्त से संबंधित है क्षेत्रमिति से। ठीक है, क्षेत्रफल से। ये देखिए एक काम समय संबंधित है कि 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिनों में एक काम को पूरा कर सकें। इस प्रकार के सवाल हैं, आप हल कर सकते हैं। या देखिए इसमें तो हम अभी बना रहे हैं वीडियो कि इस प्रकार के सवाल पूछा जाता है। हम आपको एक एक करके पूरा का पूरा पेपर हम बता देंगे कि इसी प्रकार का सवाल आता है, और उसके बाद से हम आपको लाइनबद्ध क्रमबद्ध तरीके से तैयार भी कराएंगे इसी चैनल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 66 नंबर अगर कहें तो, एक व्यक्ति एक निश्चित मूल्य पर एक सामग्री बेचता है, यदि उसे उस मूल्य के 80% पर बेचकर 16% का नुकसान हुआ है
तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो इस ये है लाभांश से। ये अगर बात करें तो ये काम समय से है संबंधित, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर का बात करें तो ये भी है आपका क्षेत्रमिति से, क्षेत्रफल में आयतन वेतन संबंधित है। 69 नंबर का बात करते, ये चक्रवृद्धि ब्याज संबंधित क्वेश्चन है। 70 नंबर का बात करें तो ये है अनुपात समानुपात से क्वेश्चन, ठीक है। यदि 1, 36, 48 और 15 का चौथे अनुपातिक है तो, और 4.2 y9 और 13.5 अनुपात में है तो y और x के बीच क्या अंतर होगा। ये अनुपात समानुपात से है, ये दशमलव का गुणा भाग से है। 71 नंबर और 72 नंबर का बात करें तो ये भी लाभ हानि और बाटा से संबंधित है सवाल। अगर 73 नंबर का बात करें तो ये भी अनुपात समानुपात से सवाल है। देखिएगा सबसे अधिक मतलब कि आपका क्रय विक्रय अनुपात समानुपात और प्रतिशत से आ रहा है, ठीक है, और ब्याज से। ये 74 नंबर विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मसलसा से ये सवाल है, ठीक। और ये भी है तो ये मिश्रण से सवाल है, जो अनुपातिक मिश्रण होते हैं उससे संबंधित ये सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो इतना ही, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और फिर मिलेंगे आगे के वीडियो में, ठीक है।